अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित। तो दोस्तों, आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 नवंबर 2020 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। देखिए दोस्तों, आज की सबसे बड़ी अपडेट में बात होगी, सबसे पहले बीटीसी के छात्र ने लखनऊ में फांसी लगाकर दी जान। क्या दोस्तों मैटर है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों बात इस पर भी होगी, क्या पीएनपी की लापरवाही से गई जान। जी हाँ दोस्तों, क्या मैटर है लखनऊ में फांसी लगाकर जान देने की, उसको देखेंगे। लेकिन इस समय दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जरा इसको देखिए। डीएलएड गणित पर्चा लीक, रंगे हाथ पकड़े गए 105 परीक्षार्थी। जी हाँ दोस्तों, ये ज्यादा बड़ी अपडेट है इस समय की कि दोस्तों एक साथ 105 बच्चे जब पकड़े जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा। जी हाँ, पिछली बार भी दोस्तों इतने बच्चे नहीं पकड़े गए थे जितने कि इस बार पकड़े गए। तो दोस्तों इससे तो ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए कि अब पेपर फिर से होना चाहिए। जब दोस्तों 100 से अधिक बच्चे एक साथ पकड़े जा रहे हैं तो मतलब है कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पकड़े नहीं गए होंगे रंगे हाथ, तो पेपर दोस्तों क्या कैंसिल होगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में काफी सवाल है आप सभी छात्रों के, उसको हम डिस्कस करेंगे। 2021 में 50,000 पदों पर नई भर्ती आनी है, तैयारी में जुटे छात्र। देखिए दोस्तों, आपको बता दें, एक एक नंबर से लोगों की नौकरियां मिलती हैं, चली जाती हैं। तो गाइस, एक एक नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे पेपर आउट करके जैसे भी अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं, 25 में 25 नंबर स्कोर कर जाते हैं या 25 में से दोस्तों 20 प्लस स्कोर कर जाते हैं, जो कि उसके काबिल नहीं होते। तो इसीलिए दोस्तों अब पीएनपी के घेरे में है कि अब क्या होगा। जिन छात्रों की दोस्तों सब्जेक्ट जैसे गणित हो गया, इंग्लिश है, उनकी अच्छी होती है, उनको नुकसान होता है इससे। तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड गणित प्रश्न पत्र आउट, पीएनपी घेरे में। जी हाँ दोस्तों, कि पीएनपी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है, कहाँ से दोस्तों लूप होल है, उनको ये चेक करना चाहिए कि दोस्तों आखिर गलती कहाँ से हो रही है। उसके बाद देखिए, परीक्षा रद्द पर लग सकती है मुहर। जी हाँ, जब दोस्तों इतने बच्चे पकड़े जाएंगे तो परीक्षा रद्द पर भी दोस्तों बात बन सकती है और योगी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। तो दोस्तों सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, उसके बाद टेट 2019 के परिणाम को चुनौती मिली है, 5 सवालों के जवाब गलत होने का आरोप है, जवाब तलब हुआ है। सोचिए दोस्तों, यूपी टेट 2019 का मामला अभी तक कोर्ट में चल रहा है, ये बात है ठीक है ना। टीईटी 2019 का मतलब है दोस्तों, ये यूपी टेट 2019 की बात हो रही है, अभी तक मामला कोर्ट में चल रहा है। 31,277 शिक्षक भर्ती, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अब 4 दिसंबर को करेगा कम गुणांक पर चयन वालों की सुनवाई, अफसर तलब हुए। तो दोस्तों ये भी बड़ी अपडेट है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं, एससी कैटेगरी के छात्र हैं, एसटी कैटेगरी के छात्र हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण मिलता है तो दोस्तों ये अपडेट आपके लिए बहुत ही बड़ी है, उसको भी दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों आपको जानना जरूरी है कि आपको नौकरी कैसे मिलती है, कैसे आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद एक और अपडेट, क्या बैक लगी तो 2019 बैच के छात्रों को प्रथम सेमेस्टर का पेपर फिर से देना पड़ेगा। ये सवाल दोस्तों एक दो बच्चों के मन में नहीं, हजारों बच्चों के मन में यही सवाल है कि अगर गलती से दोस्तों आपके 2019 बैच में, जैसे सेकंड सेमेस्टर का भी आपने पेपर दिया है, किसी भी विषय में अगर आपकी बैक लग गई तो क्या दोस्तों आपको फिर से मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर देना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सेकंड सेमेस्टर का आपको नंबर मिलेगा ना, वही फर्स्ट सेमेस्टर का नंबर होगा। तो दोस्त इसको जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। एक और अपडेट दोस्तों, कि 2018 बैच के छात्र बैक लगने पर नई भर्ती से हो सकते हैं बाहर। जी हाँ दोस्तों, 2018 बैच के लिए तो यार ये थोड़ी सी बुरी खबर है, क्योंकि अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो गए, समझिए इस बात को पहले, तो फिर आपको फर्स्ट का मौका कब मिलेगा, उसको दोस्तों देखेंगे। क्योंकि दोस्तों कहने का मतलब ये है ना कि 2020 बैच का भी एडमिशन तो हुआ नहीं, नया बैच अभी हमारा 2020 वाला आया है नहीं। तो दोस्तों जब वो बच्चे प्रथम सेमेस्टर का देंगे पेपर, फिर सेकंड का देंगे, तभी तो फिर से आपका बैक पेपर वाली बात बनेगी। तो दोस्तों देखते हैं कैसे क्या क्या होगा। लेकिन चलिए पहले इस अपडेट को हम आपके सामने रखते हैं कि डीएलएड गणित का पर्चा लीक, रंगे हाथ पकड़े गए 105 परीक्षार्थी। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। अपडेट आई दोस्तों अंबेडकर नगर से, डीएलएड के गणित की परीक्षा का पर्चा दूसरी बार भी लीक हो गया। हालांकि दोस्तों इसकी भनक जिला प्रशासन को दूसरे दिन भी नहीं लगी। वजह दोस्तों, आयोजनकर्ताओं ने परीक्षा नियामक प्राधिकरण से इसकी सूचना देने के बाद मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। यह दोस्तों गड़बड़ी दो परीक्षा केंद्रों बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर एवं राम अवध जनता इंटर कॉलेज बरिया एवं बाजार में हुई है। सुचिता तार तार करने में रंगे हाथ पकड़े गए 105 परीक्षार्थियों के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। परीक्षा का दोस्त जो पर्चा पहले भी लीक हुआ था, परीक्षा को निरस्त करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने दोबारा परीक्षा कराई थी। तो दोस्त ये अपडेट है, मतलब 105 बच्चे पकड़े जरूर गए लेकिन उनके खिलाफ कोई भी अभी तक कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। तो दोस्त ये न्यूज़पेपर के माध्यम से बड़ी अपडेट आई है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपका पेपर भी खराब हुआ है तो आपके लिए दोस्तों फायदे की बात हो सकती है, क्योंकि देखिए गाइस कि बात सिर्फ पेपर खराब अच्छे होने की नहीं है, बात दोस्त यहाँ पर यह है कि अगर पेपर लीक होता है तो जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। वो बच्चे तो सोचते हैं ना कि पेपर में किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हुई है, पेपर सही तरीके से कराया गया है। तो फिर जब नौकरी की बात आएगी दोस्तों अगले 1 से 2 साल बाद, तब आपको पता चलेगा यार कि यहाँ पर 1 नंबर हमारा कम हुआ था या 2 नंबर हमारा ज़्यादा हुआ था, क्योंकि आप 1-1 नंबर से नौकरी पाएंगे और 1-1 नंबर बढ़ने से आपकी नौकरी और अच्छी मतलब हो जाएगी कि कन्फर्म हो जाएगी कि हमें नौकरी मिल ही जाएगी। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट जरा इसको देखिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे और भी अपडेट्स के बारे में। BTC के छात्र ने लखनऊ में फांसी लगाकर दी जान। लखनऊ में दोस्तों ठाकुरगंज में भूवर में किराए के कमरे में रहकर BTC तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहे शिवम मिश्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इंस्पेक्टर राजकुमार ने बताया कि पुलिस ने कमरे की तलाशी ली लेकिन कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। खुदकुशी की दोस्तों वजह की जाँच की जा रही है। इंस्पेक्टर ने बताया कि 24 वर्षीय शिवम मूल रूप से हरदोई के कछौना स्थित मवई हथौड़ा गांव का रहने वाला था। वह यहां अपनी बुआ के बेटे कमलकांत तिवारी के साथ रहता था। कमलकांत तिवारी हरदोई के टटियावा, जो भी दोस्तों नाम इनके गांव का, के हैं और KGMU में MS ऑफिस में नौकरी करते हैं। बुधवार को दोस्तों सुबह 9 बजे वह ड्यूटी पर चले गए थे। शाम करीब 6 बजे लौटे तो कमरे का दरवाजा भीतर से बंद पाया गया। दरवाजा खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने खिड़की के भीतर झांका। अंदर दोस्तों पंखे से रस्सी के सारे शिवम को लटकता देखकर उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। दरवाजा तोड़कर शिवम को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिवम के परिवारजनों ने बताया कि बुधवार को उसका गणित का पेपर था। पेपर देकर ठीक आने के बाद वह घर के बाहर नहीं दिखा। शिवम 3 बहनों में इकलौता बेटा था। उसकी मौत की खबर से पिता अनिल मिश्र व माता भोली देवी सदमे में आकर बेहोश हो गए। परिवारजनों का मानना है कि पेपर गड़बड़ होने की वजह से ही उसने खुदकुशी की होगी। तो दोस्तों पूरा मामला था कि पेपर खराब हुआ, और दोस्त यहाँ गलती किसकी थी, इससे पहले दोस्तों हमारा जो गणित का पेपर हुआ था वो काफी आसान आया था। ठीक है, कुल मिला के दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर दोबारा से गणित का पेपर ना होता तो कम से कम इस बच्चे की जान ना जाती। तो दोस्तों इनकी जान जाने में PNP का एक रोल रहा है। तभी दोस्तों हमने इस अपडेट को आपके सामने रखा कि PNP की लापरवाही से छात्र की गई जान। अगर गाइस पिछली बार ये पेपर पूरी सतर्कता से करा लेते या प्रशासन इतना टाइट रखते कि पेपर लीक की कोई बात ना होती तो डेफिनेटली दोस्तों इनका पेपर जो भी हुआ होगा लास्ट टाइम वो अच्छा रहा होगा। ठीक है, तो गाइस इसीलिए कहते हैं कि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको पता चलता है कि यार क्या होगा। अब थर्ड सेमेस्टर में बैक का मतलब यही होगा दोस्तों कि आप नई भर्ती से भी बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये थोड़ी सी बुरी खबर होगी छात्रों के लिए। उसके बाद दोस्तों ये सब बातें आपके सामने, अब पुलिस इसमें जांच कर रही है कि उसने खुदकुशी क्यों की होगी, क्या क्या मैटर होगा, सब कुछ दोस्तों बातें होंगी। एक और अपडेट दोस्तों आपके सामने रखते हैं। पहले जो आपका दोस्तों गणित का पेपर एक हुआ था 6 नवंबर को और एक आपका दोस्त अभी 25 नवंबर को पेपर हुआ था, दोनों में दोस्तों अंतर हम आपको सामने रखते हैं कि दोनों का पेपर कैसा था। अब गाइस अगर हम पहला क्वेश्चन देखें 25 नवंबर वाला, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर वर्ग रूप पूछा गया था। देखिए दोस्तों हम आपके सामने बिल्कुल कंपेयर करके बता देंगे कि कैसे PNP ने आपके साथ गड़बड़ किया। पहला क्वेश्चन दोस्तों था इसका वर्ग रूप होगा, तो आप इसको सॉल्व करके चेक करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना इसका वर्ग रूप क्या होगा, जो बच्चे गणित में कमजोर होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ का जो पहला क्वेश्चन था इसको जरा देखिए, इसमें पूछा गया था कि एक त्रिभुज की दोस्तों भुजाएं दी गई हैं 3, 5 और 8 सेंटीमीटर, तो दोस्तों त्रिभुज होगा। गाइस कहने का मतलब ये है कि दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन दोनों ही आसान था, ऐसा नहीं क्वेश्चन कठिन था, लेकिन दोस्तों जो दोनों क्वेश्चन को करने में जो समय लगेगा ना, इसको दोस्तों आप मात्र 1 सेकंड में देखते ही गेस कर जाएंगे कि इसमें कोई भी त्रिभुज बन नहीं पाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें आप 1 सेकंड में नहीं कर सकते, इसको आप सॉल्व कर देखेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों टाइम का जो डिफरेंस है उससे दोस्तों पेपर कठिन हुआ। पिछली बार दोस्तों आपसे पूछा गया था इसमें से प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, कितना आसान क्वेश्चन, और इस बार पूछा दोस्तों इसका मान कितना होगा,
इतना माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, सब कुछ दोस्तों देख देख कर जब बच्चे करेंगे तो दोनों में समय का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होगा। फिर तीसरा क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया परिमेय संख्या बताना है, देखते ही दोस्तों आप बोल देंगे कि परिमेय संख्या नहीं है, मतलब पाई हो जाएगा, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 2 है, मतलब देखते ही आप गेस कर जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों बोला गया तीसरा क्वेश्चन 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कर कर देखेंगे ना कि इसका फैक्टर हो रहा है या नहीं, क्योंकि सभी बच्चे रट्टा मारकर तो बैठे नहीं कि 83 और 89 होगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। उसके बाद पिछली बार आपसे एक क्वेश्चन आया था कि सर्व समिका आपको बतानी थी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आसान था ये भी, और दोस्त इस बार अनुवर्ती पूछा गया, तो चलिए मानते हैं कि चौथा क्वेश्चन यहाँ पर भी हमारा आसान ही था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आया था कि निम्नलिखित में एक्स अंश का मान कितना होगा। अब दोस्तों ऐसे फिगर वाले क्वेश्चन बच्चे देख कर डर जाते हैं, कठिन भी कहा जाता है और समय भी लगता है। और पिछली बार दोस्तों इसमें पूछा गया था इसका मान कितना होगा, यहाँ दोस्तों पहला वाला विकल्प से इसका आंसर हम तुरंत निकाल सकते थे। विकल्प में क्या करते हैं दोस्तों, 2 यहाँ पर रख देते हैं x की जगह, तो 3 की घात 2 + 2, 3 की घात 4 होता, 3 की घात 4 का मान 81 होता। इसको भी दोस्तों सॉल्व करना पड़ता हमें। तो गाइस इस बार का जो पेपर था पिछली बार से थोड़ा सा देखिए कठिन तो था, ठीक है ना, ज़्यादा कठिन तो नहीं था, लेकिन पिछली बार से कठिन इसलिए दोस्तों कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें समय। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अति लघु त्रिविम प्रश्नों की, तो पिछले बार का दोस्तों जो क्वेश्चन देखिए और सबसे बड़ा धोखा तो ये हुआ दोस्तों, जो है इस बार जो आपका अति लघु त्रिविम क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया, वही दोस्तों पिछली बार आपसे लघु त्रिविम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। घातों का थोड़ा फर्क था, पिछली बार 4 घाते थी मैक्सिमम, इस बार 5 घाते हो गए, लेकिन पिछली बार बार वाला जो क्वेश्चन था ये सिर्फ 2 लाइन का था, इस बार दोस्तों 5 से 6 लाइन का ये क्वेश्चन था। तो मतलब इस बार 5 से 6 लाइन करते तो आपको 1 नंबर मिलता, और पिछली बार दोस्तों आप 3 लाइन भी कर देते तो आपको 2 नंबर मिल जाता। तो दोस्तों ऐसे काफ़ी क्वेश्चन थे जिससे छात्रों को मतलब गुस्सा आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था पीएनपी को, पेपर क्यों कठिन बनाया गया। तो एक और क्वेश्चन दोस्तों हम आपके सामने और एक अच्छा एग्जाम्पल रखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आपके साथ दोस्तों दूसरा बड़ा धोखा कैसे हुआ। और अगर 217 नंबर आप क्वेश्चन देखें कि आयत की लंबाई चौड़ाई दोस्तों दी गई थी, उसका परिमाप दिया गया था, तो आयत की लंबाई ज्ञात करनी थी। वही दोस्तों सेम क्वेश्चन ये देखिए 7 नंबर क्वेश्चन था आयताकार मैदान के, दोस्तों ये 100 मीटर लंबे तार से गिरा था, मतलब ये परिमाप दिया गया था। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया था, और वही दोस्तों क्वेश्चन आपसे पिछली बार 2 नंबर का पूछा गया, ठीक है। ये दोस्तों अंतर आपके सामने है। और दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पर हैं, तो ये सब दोस्तों ठीक है। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पिछली बार आपसे पूछे गए थे, तो छात्रों को लगा ना कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है और हमसे इतनी ज़्यादा मेहनत इस बार करवाई गई। पिछली बार के दोस्तों अति लघु त्रिविम क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे वाले थे, आसान आसान क्वेश्चन थे, इसमें कुछ नहीं था बड़ी बात। तो ये सब दोस्तों चीज़ें हैं जो आपके सामने हमने रखी। उसके बाद दोस्तों कल न्यूज़पेपर के माध्यम से अभी अपडेट मिला कि गणित का पर्चा आधा घंटे पहले वायरल हुआ था। यहाँ दोस्तों इस पेपर का दावा था कि परीक्षा दोस्तों 9:28 पर, इनको भाई पेपर मिल गया होगा, तभी दोस्तों इन्होंने बिल्कुल टाइम के साथ इस अपडेट को रखा है। तो कुल मिला के दोस्तों पीएनपी अभी तक मानने को राजी नहीं हुआ कि पेपर आउट हुआ है। एक और अपडेट दोस्तों आपके सामने रखेंगे कि जो टेट 2019 का परिणाम को चुनौती मिली है, जो रिजल्ट आया था, 5 सवालों के जवाब गलत होने का आरोप है, जवाब तलब हुआ। तो सोचिए दोस्तों यूपी टेट का मामला कोर्ट में जाता, तो देखिए इस बार आप जब टेट का पेपर देंगे 2021 में, आपको जैसा कि पता होगा फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक इसका पेपर हो सकता है। अपडेट क्या है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2019 के परिणाम को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका दाखिल कर परीक्षा में पूछे गए 5 सवालों को जवाब गलत होने का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज और प्रदेश सरकार से 1 सप्ताह में जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। याचिका सरिता शुक्ला और 2 अन्य की ओर से दाखिल की गई है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब सोचिए अभी तक मामला कोर्ट में चल रहा है, 1 साल हो गया है। देखिए कोरोना भी बीच में आ गया था, नहीं तो हो सकता था कि अब तक इस मामले का निपटारा हो जाता, लेकिन फिर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे क्या होता है मामला कोर्ट में जाता है। तो दोस्तों उसके बाद हमने आपके सामने इस अपडेट को रखा था। देखिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अधिक जानकारी सब चीज़ों को पढ़ना, तो हमने कमेंट बॉक्स में नीचे आपको लिंक दे रहे हैं, उसके माध्यम से दोस्तों जाकर आप ये सब चीज़ें चेक कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों एक और अपडेट आपके सामने रख देते हैं कि डीएलएड द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट 2020 कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और कहाँ से आप उसको देख पाएंगे। तो दोस्तों जो हमने नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दिया उसी के माध्यम से आप लोग अपना रिजल्ट सबसे पहले डाउनलोड या एक्सेस कर पाएंगे। तो उसको रेगुलर चेक करते रहेगा हर दिन, दिन प्रतिदिन दोस्तों उस पर अपडेट आपके लिए हम लाते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों देखिए काफ़ी चीज़ें इस समय बदल रही हैं, पेपर आउट हो जाता है, परीक्षा लीक हो जाता है, कमजोर छात्रों का नुकसान होता है। तो दोस्तों और भी जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे समय समय पर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि 2021 में जो 50,000 पदों पर नई भर्ती आनी है
उसकी तैयारी में छात्र जुट चुके हैं। जो बच्चे दोस्तों अभी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देकर खाली हुए हैं, वो बच्चे तो सीधे अब सुपर टेट की तैयारी में लग गए, क्योंकि उनके पास भाई हो सकता है उन्होंने पहले से टेट क्लियर कर रखा हो। ठीक है, टेट और सुपर टेट का भी सिलेबस लगभग लगभग मिलता है, सब तो नहीं मिलता क्योंकि सुपर टेट में आपको ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो गाइस आपको बता दें, अगर पेपर आउट होगा तो जो बच्चे पेपर पा जाते हैं उनकी नौकरी लग जाती है, अगर आप नहीं पाएंगे तो फिर आप वही होगा, आपके लिए कंपटीशन टफ हो जाएगा। देखिए दिक्कत क्या होती है नई भर्ती में, 50,000 पदों पर भर्ती जरूर है, इसमें दोस्तों 1 लाख से अधिक शिक्षा मित्र भी पार्टिसिपेट करेंगे, हो सकता है जिनको एक तगड़ा वाला भारांक दिया जाए। भारांक दोस्तों क्या होता है कि उनको एक्स्ट्रा के नंबर दिए जाते हैं फ्री वाले, समझ रहे दोस्तों? कहने का मतलब दोस्तों ये होता है ना कि जब लास्ट में आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है, उनको दोस्तों नंबर में फ़ायदा नुकसान नहीं करते, इन फायदा नुकसान करते सीधे तौर पर फाइनल मेरिट पर। तो फाइनल मेरिट दोस्तों जब बनती है ना, तो शिक्षा मित्रों को इस बार फिलहाल 2019 में जो अभी नौकरी मतलब दोस्तों मिली थी, 2019 6 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था, ठीक है, अभी दोस्तों जो नियुक्ति पत्र बटा है 31,000 और 37,000 वाला बटना है, उसमें शिक्षा मित्रों को 25 अंक का भारांक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात होती है, उसी के बदौलत उनकी नौकरी भी कन्फर्म हुई। देखिए दोस्तों, हमने आपको एक बात कहा था कि पिछला पेपर पढ़ने से आपको फ़ायदा होता है। देखिए दोस्तों, अगर आपने पिछला पेपर को ही अच्छे से रिवीजन करके गए होंगे तो भी आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि आपको एक गुणनखंड का क्वेश्चन मिला, उसके बाद दोस्तों आयत की लंबाई वाला क्वेश्चन मिल गया, उसके बाद दोस्तों भाग विधि से मासा ज्ञात करने वाला, यहाँ पर भी देखिए मासा पूछा गया था, 15 नंबर क्वेश्चन हुआ, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर समरूप त्रिभुज की बात आई थी, फिर से देखिए 18 नंबर क्वेश्चन भी समरूप त्रिभुज पर ही आधारित था। तो मतलब एक क्वेश्चन ये मैच कर गया पिछली बार पेपर से, 15 नंबर दोस्तों क्वेश्चन मैच कर गया, 1-2 हो गया। और दोस्तों देखिए बारंबारता को लेकर एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पर भी दोस्तों बारंबारता सारणी को लेकर आया, ये 3 क्वेश्चन फंस गया। देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चन फंस रहे, पहले हम आपके सामने रख रहे हैं, उसके बाद ये दोस्तों 2 क्वेश्चन एलसीएम के थे, ठीक है, पिछली बार एलसीएम तो नहीं आया था, उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों आपका फंसा गुणनखंड वाला, आयताकार मैदान की लंबाई वाला फंसा, ठीक है। तो ऐसे दोस्त ये वाला क्वेश्चन भी पिछले पेपर में पूछा जा चुका है, इस बार नहीं पिछले, ये भी क्वेश्चन। तो मतलब दोस्तों अगर आप पिछले बार का भी पेपर पढ़कर जाएंगे पेपर में तो बहुत फायदा आपको मिलता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें दोस्तों, सरल करने वाला ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत बार आपको कराया था। तो ठीक है गाइस, ये सब चीज़ें हैं आपके सामने। तो इस बार का जो पेपर था वो ये मानकर चलिए कि 6 नवंबर वाला दोस्तों जो हमारा पेपर था वो कम से कम नहीं तो 30 मिनट में इसको पूरी तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन जो हमारा 25 नवंबर का पेपर था वो लगभग 80 मिनट तक दोस्तों जाएगा। जो बच्चे कमजोर होंगे उनको सॉल्व करने के लिए 80 से लेकर 90 मिनट तक चला जाएगा। एक अच्छे बच्चे जो होंगे जिनकी मैथ बहुत ही अच्छी होगी तो दोस्तों वो बच्चे भी इस पेपर को सॉल्व करने में कम से कम नहीं तो 45 से लेकर 55 मिनट तक उनका समय लगा होगा। तो ये पेपर बहुत ही कठिन था ये हम कह सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है कि अब इतने बच्चे पकड़े जरूर जा रहे हैं, देखिए आपके सामने सारी अपडेट एक रंग के हाथ पकड़े गए। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सारी खबरें उनको बताइएगा कि पीएनपी दोस्तों लापरवाही करे बच्चों की जान जाती है, पेपर दोस्तों कैंसिल होगा या नहीं उसको देखा जाएगा, और उसके बाद अगर पेपर फिर से कैंसिल होगा तो समय की भी बर्बादी होगी। देखते हैं क्या क्या होता है, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।